કોરોનાના કહેર વચ્ચે ત્રીજા તબક્કાનું લોકડાઉન જાહેર થઈ ચૂક્યું છે ત્યારે સુરત પોલીસ કમિશનર આરબી બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબે શહેરીજનોને ત્રીજા તબક્કાના લોકડાઉનને સંપૂર્ણ ટેકો જાહેર કરવા આહવાન કર્યું છે. જેસે આપ સબકો પતા હે કે લોકડાઉન 17 મઈ તક ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને એક્સટેન્ડ કિયા હૈ. સુરત કે નિવાસી લાસ્ટ 1.5 મહિને સે જો પોલીસ ઓર वहीवटी तंत्र का सहयोग कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं और उनसे विनती है कि 17 मई तक अभी तक आपने जो हमको सहयोग दिया है वही सहयोग हमको आप देते रहे. दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं जो आपसे आपके माध्यम से जो श्रमिक हैं यहाँ से दूसरे राज्यों से आके काम के लिए जो बसे हैं उनसे एक विनती है कि आप सबको जो लग्जरी बसेस हैं ट्रेन्स के द्वारा आप सबको अपने वतन पहुंचाने की व्यवस्था भारत सरकार और गुजरात सरकार कर रही हैं. आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और जब तक आखिरी श्रमिक यहाँ से जो जिसको जाना है वो नहीं जाएगा तब तक ये व्यवस्था चालू रहेगी. ये बीच में कहीं ये व्यवस्था बंद होने वाली नहीं है लेकिन सूरत में क्योंकि नंबर संख्या ज़्यादा है इसीलिए मैं सभी श्रमिक उनके जो कम्युनिटी के आगेवान हैं लीडर्स हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप अपनी कम्युनिटी में अपने एरिया में सबको बताएं कि सबका बारी बारी से टर्न आएगा और सबको जाने का मौका मिलेगा. जैसे जैसे ट्रेन चलती है हमको सूचना मिलेगी रेलवे बोर्ड से कि इस दिन इस टाइम पे हम ट्रेन चलाएंगे. किसी को रेलवे स्टेशन जाना नहीं है क्योंकि वहाँ हम किसी को रेलवे स्टेशन अलाउ नहीं करेंगे. जो भी लोकालिटी अच्छी तरह वहीवटी तंत्र को सहयोग दे रही है उसमें से हम टिकट उनको एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो कम्युनिकेट के लीडर्स हैं उनके द्वारा टिकट बांट के जिनके पास टिकट है वही लोगों को हम सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बसों में रेलवे स्टेशन भेजेंगे और उसी फिर रेलवे स्टेशन से उनको जहां जाना है उसी उनका डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर होगा वहां तक रेलवे उनको ले जाएगी. लग्जरी बसेस में भी कोई ज़्यादा किराया नहीं ले इसके लिए हम आरटीओ से भी संपर्क में हैं. वो लोग भी आरटीओ ऑफिसर भी चेक करेंगे कि जो तय किराया होता है उससे ज़्यादा किराया वो लोग नहीं लें. हमने कल डीजीपी सर से रिक्वेस्ट किया था तो कल डीजीपी सर ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक को एसपीज को आदेश दिया है कि उनके ज़िले में अगर कहीं कोई लग्जरी बस जिसकी बिना ऐसे ही पड़ी है पार्किंग में तो उनके ओनर्स और उनके ड्राइवर्स को बोल के उनको सूरत भेजा जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या सूरत सिटी में है और उनको अपने वतन भेजना एक बहुत बड़ा इसकी कार्य है और थोड़ा मुश्किल भी है. तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी सहयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी बसेस सूरत में उपलब्ध करा के उनको अपने वतन भेजने की कोशिश इसकी हम लोग कर रहे हैं. तो आपके माध्यम से मैं पूरे गुजरात में जहाँ भी लग्जरी है उनके मालिक उनके एसोसिएशन वालों से विनती करता हूँ कि वो लग्जरी आप सूरत सिटी में लाइए. अगर उस ज़िले में कोई ज़्यादा उनको काम नहीं है उस ज़िले के श्रमिकों को भेजने का उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है और वहाँ उनको काम नहीं है तो सूरत आ जाए और सूरत से हम उनकी लग्जरियों को जो स्टेट ने परमिशन दी है वहाँ भेजने की हम कोशिश करेंगे. आज तक सूरत में हमने 20,000 व्हीकल डिटेन किए हैं और करीब 12,000 से 13,000 केस हमने दाखिल किए हैं. तो मेरी आपके माध्यम से सभी सूरत वासियों से विनती है कि कोई हमको केस नहीं करना पड़े किसी के खिलाफ एक्शन लेना नहीं पड़े किसी का व्हीकल हमको डिटेन नहीं करे. तो आप ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो कि 17 मई तक कोई ज़्यादा संक्रमण नहीं हो और उसकी वजह से फिर हम जो रेड जोन है वो
ऑरेंज जोन में आ जाए और ऑरेंज जोन में जो लोग बसते हैं वो ग्रीन जोन में आ जाए, तभी हम आगे जाके हमको कुछ रियायत मिलेगी। अदरवाइज इसकी ये स्थिति अगर चालू रहेगी तो हम सब मुश्किल में होंगे। यही मेरी अपील है।